राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए हालात पर दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर हुई हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव, एनएसए और आईबी चीफ मौजूद। सीएम खट्टर दिल्ली तलब। डेरा समर्थकों की हिंसा में अब तक 30 की मौत, सैकड़ों घायल। प्रभावित इलाकों में फिलहाल शांति। सिरसा में सेना का फ्लैग मार्च। गुरमीत राम रहीम को रोहतक जेल में मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट पर जेल डीजीपी की सफाई। कहा, नहीं दिया जा रहा वीआईपी ट्रीटमेंट, आम कैदियों जैसा हो रहा है व्यवहार। उनको एक सामान्य कैदी को जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, वही सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके लिए कोई अलग से कमरा नहीं है, उनके लिए उस कमरे में कोई एसी नहीं है, कोई बेड नहीं है। डेरा समर्थकों की हिंसा के बाद पंजाब और हरियाणा जाने वाली 341 ट्रेनें रद्द। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। डेरा समर्थकों द्वारा मीडिया पर हुए हमले की न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की। राज्य और केंद्र सरकार से मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। राम रहीम के पक्ष में आए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, फैसले के लिए अदालत को कटघरे में खड़ा किया। एक आदमी ने कंप्लेंट की है यौन शोषण की और करोड़ों लोग सच्चा बाबा डेरा को सच्चा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो एक की बात सुनी जा रही, करोड़ों की कूट क्यों नहीं सुन रहा। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, अब तक 418 लोगों की मौत, 1,67,00,000 लोग प्रभावित। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार को 500 करोड़ राहत पैकेज देने का ऐलान। और पुलवामा में पुलिस लाइंस पर आतंकवादी हमला, 3 जवानों की मौत, 4 घायल, सर्च ऑपरेशन जारी।